वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि ये किसका प्लांट होगा। आज देखिए इसका ब्राक कैसा है, यहाँ होल भी बना हुआ है। तो ये है पलाश का प्लांट दोस्तों, जो मैंने 2 साल पहले शायद उसको हार्वेस्टिंग किया था। तो अब ये स्प्राउटिंग करना शुरू कर दिया है, यहाँ भी कुछ स्प्राउटिंग दिख रहा है। तो सोच रहा हूँ आज उसका रिपोर्टिंग कर दूँ। यहाँ से नया शूट्स दिखने लगा है, तो देखते हैं कैसा रिएक्शन करता है। कुछ रूट्स भी एस्केप हुए हैं, ज़मीन पे रखा था पॉट, तो रूट सिस्टम तो अच्छा ही दिख रहा है। देखिए कुछ रूट नीचे चले गए थे, तो अगर ऐसे रूट निकलते हैं तो बढ़िया बात है। तो चलिए निकाल के देखते हैं उसका रूट सिस्टम कैसा है। तो ये मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया उसके मेडिसिनल वैल्यू। उसके दातुन भी करते हैं लोग उसका, मैंने भी किया है। और उसके फूलों से स्नान करना बढ़िया माना जाता है, होली का कलर भी बन जाता है। केवल उसके फूलों को पानी में थोड़ी देर घूले वो तुरंत ही रंग आ जाता है, और उसी पानी से स्नान करना भी अच्छा माना जाता है। मेरी दोनों बेटियाँ उसी के कलर से इस बार होली भी खेली थी, और कभी कभी स्नान भी कर लेते हैं इसी के पानी से। तो देखते हैं कैसा है उसका रूट सिस्टम। इसी पॉट में मैं लगा दूंगा फिर से, क्योंकि मेरे पास अब लॉकडाउन की वजह से कोई प्लास्टिक पॉट अवेलेबल है नहीं। जब अभी ज़्यादा गर्मी की वजह से जब लू लग जाती है तब उसके पानी से स्नान करने की मान्यता है। देखिए इस तरह की गांठें बनती है इस प्लांट में, देखिए इस तरह से गांठें बनती है। और इस तरह का गांठें बनाने वाला प्लांट मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्लांट में, क्योंकि अपना खुराक बना के रखता है। जब शौक में होता है तो शायद उसी का इस्तेमाल करता होगा। तो ये डोरमेट में था, अभी जग रहा है। डोरमसी यानी वो शीत निंद्रा में चले जाते हैं प्लांट्स, तब ग्रो नहीं करते, सारे पत्ते जड़ जाते हैं। अब जाके ये स्प्रिंग में आया है। तो रूट सिस्टम में ऐसी चीज़ें बनती है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए प्लांट को सरवाइव होने में। और अभी ये स्प्रिंग में आ चुका है, तो चलिए सोइल मिक्स दे देते हैं। वही ऑर्डिनरी में अभी जो नया सोइल मिक्स बनाया है वही इस्तेमाल किया है। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलता है रिपोर्टिंग के बाद और हमारे नए सोइल मिक्स में, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद मैंने पहली बार उसको इस पॉट में डाला था, और शायद वो बोनसाई सोइल में भी नहीं था, वो केवल गार्डन सोइल में था, क्योंकि मुझे डर था कि ये चला जाएगा। तो घर पे मैंने उसे मेरे गार्डन में ज़मीन में लगा दिया था हार्वेस्टिंग करके प्लास्टिक में, तो बाद में निकाल के इसी पॉट में लगा दिया था। तो आज जाके मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूँ। ये पूरा डाइबैक हो गया था, बहुत ही अच्छी ब्रांचिंग थी, और फिर से ये नया शूट्स निकला, अब उसी तरह से यहाँ से निकल रहा है। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलता है। इस बार ग्राफ्टिंग करने का मौका नहीं मिला दोस्तों। तो ये वक्त होता है दोस्तों इस तरह के स्प्राउटिंग स्प्रिंग में, जब प्लांट चालू करता है, सब प्लांट का जगने का पीरियड अलग अलग होता है। तो अब ये जाग रहा है, तो अगर इसी वक्त अगर आपको किसी मैच्योर प्लांट का कटिंग मिल रहा है तो आप उसी पे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो इसमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, जैसे हमारे वरुण ट्री के साथ हुआ है, और अंकोल ट्री में भी इस बार ट्राई किया है। तो अगली बार मैं इसी से ट्राई करूँगा इसी के, क्योंकि इस बार मुझे कटिंग नहीं मिल पाएगा क्योंकि घर जाना होता है उसके लिए। तो मुझे यहाँ कहीं भी, मैं जहाँ अभी रहता हूँ पलसाना एरिया में, कहीं भी इसका प्लांट नहीं।
तो यह है दोस्तों पलाश का पेड़, देखिए इसके पत्ते, और ये अब ग्रो कर चुका है। तो यहाँ मैं पिंचिंग कर लेता हूँ जिससे कुछ से मल्टीप्लाई हो सके। ये देखिए, तो उसको भी मैं बाद में वायरिंग कर दूंगा, कुछ इस ब्रांच के साथ रिलेटेड मूवमेंट दे दूंगा मैं, डीएनए की तरह डिजाइन होगा उसका। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।